और अब उत्तराखंड की खबरें विस्तार से, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको कोटद्वार से बता दें, जहां लक्ष्मण झूला रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां लक्ष्मण झूला रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी है कार। कार सवार दो बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई है। रीठा खाल से देहरादून जा रहा था परिवार। द्वारीखाल ब्लॉक के सलोगी के पास हुआ हादसा। पोखड़ा का रहने वाला था पूरा परिवार। और इसी बीच बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दी, जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं विधायक कर्णवाल, जहां समिति के सामने रखेंगे अपना पक्ष। तो आपको बता दें कि दो विधायकों के बीच जुबानी जंग लगातार चली थी, जिसको लेकर कर्णवाल पहुंचे समिति के समक्ष और अपनी बात रखेंगे। बीजेपी ने दोनों विधायकों से तलब किया था समिति के अध्यक्ष को कर्णवाल सौंपेंगे साक्ष्य। आपको बता दें कि प्रवण सिंह चैंपियन और देशराज कर्णवाल के बीच लगातार जुबानी बहस चली थी, जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी का आड़े हाथों ले रहा था और कह रहा था कि अनुशासनहीनता के होते हुए भी बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करी। जिसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने एक समिति का गठन किया, जो इस मामले की सुनवाई कर रहा था, इस मामले के साक्ष्य एकत्रित कर रहा था। और आज उसकी बैठक हुई है, जिसमें देशराज कर्णवाल पहुंचे हैं, अपने साक्ष्य आज समिति के समक्ष रखेंगे। और लगातार बात करें तो बीजेपी ने इस मामले को किसी तरीके से शांत कराया था, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मामले पर बीजेपी को आड़े हाथों लेती नजर आ रही थी। कांग्रेस आरोप लगा रही थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सारे सरकारी दावे टिहरी झील में डूब गए। घनघोर लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से बनाई गई मरीना रेस्टोरेंट बोट टिहरी झील में डूब गई है। इसी बोट में पिछले साल राज्य की कैबिनेट बैठक हुई थी। मरीना रेस्टोरेंट टिहरी झील में डूबा। मरीना रेस्टोरेंट में हुई थी कैबिनेट मीटिंग। मीटिंग में सीएम त्रिवेंद्र भी थे मौजूद। जांच की बात कर रहे अधिकारी। डबल इंजन की सरकार पर उठ रहे सवाल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 13 जिले 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए 13 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ऐलान किया था। टिहरी झील उनमें से एक है। मरीना रेस्टोरेंट बोर्ड पर जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा मरीन बोर्ड पर हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने पर सहमति बनी थी। उस दौरान सीएम रावत के साथ उनके मंत्रियों ने भी दावा किया था कि टिहरी झील पर कैबिनेट मीटिंग करने के पीछे मुख्य उद्देश्य झील को टूरिज्म मैप पर लाना है। वैसे टिहरी बांध और टिहरी झील उत्तराखंड के लोगों के साथ किए जा रहे आधे अधूरे प्रयोगों की प्रयोगशाला बन चुकी है। टिहरी बांध को लेकर लगातार विवाद होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़े बांध बनाने से तौबा कर ली थी। उसके बाद टिहरी में झील को लेकर प्रयोग शुरू हुए। टिहरी झील को पर्यटक आकर्षण बनाने के लिए करीब 4 साल पहले कांग्रेस सरकार ने टिहरी लेक फेस्टिवल शुरू किया था। स्थानीय लोगों को उससे उम्मीद जागी थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा और पर्यटन से आमदनी बढ़ेगी। इस दौरान टिहरी में पर्यटकों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन झील के पास पार्किंग, शौचालय, सफाई और खाने पीने का ठीक से इंतजाम अब तक नहीं किया जा सका। अब जब बोट पानी में डूब चुके हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी जाँच की बात कहकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो ये टिल्ट हुई है, अभी ये हमारे सारे ऑफिशियल्स वहाँ गए हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे और जो भी इशू आया है इसको फिर देखेंगे किस वजह से ये हुआ है। त्रिवेंद्र सरकार टिहरी झील और दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर कितनी संजीदा है, ये बताने के लिए ही राज्य कैबिनेट की बैठक इस बोट में की गई थी। इस बोट के डूबने से एक बार फिर साफ हो गया है कि सिर्फ अच्छे इरादे और बड़ी योजना से कुछ नहीं होने वाला, उन्हें जमीन पर ठीक से उतारने का सिस्टम भी तैयार करना होगा। जाहिर तौर पर जिसमें ये डबल इंजन सरकार फेल होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड की खबरों में बताएंगे,
मरीना रेस्टोरेंट के डूबने के बाद लगातार कांग्रेस की अगर बात करें तो सवाल उठा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस बोर्ड पर कैबिनेट की बैठक हुई आखिरकार त्रिवेंद्र सरकार ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ इसी खबर में जुड़ चुके हैं। पवन, जिस बोर्ड पर कैबिनेट की पहले पिछले साल बैठक हो चुकी है उसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो काफी लापरवाह नजर आया, इतनी बड़ी घटना हो गई। अभी आपको बता दें क्योंकि ये पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार लगातार दावे और वादे कर रही है। क्यों, यही वजह है कि 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की बात कही जा रही थी और ये इसमें एक विशेष झलक देखने को मिल रही थी। टिहरी झील पर जो ये मरीना रेस्तरा बोट है इसको इसीलिए विकसित किया गया था ताकि लोग इसके प्रति आकर्षित हों और ये झील के अंदर जो बनाई गई है ये रेस्टोरेंट टाइप का था जिसमें लोग जाते थे वहां पर आकर्षण था। यही वजह थी कि पिछली बार कैबिनेट की बैठक भी इसी बोर्ड के अंदर हुई थी ताकि देश दुनिया में संदेश जाए कि ये जो टिहरी झील है यहाँ पर एक विशेष तौर से ये प्रदर्शन का एक तरीके से पर्यटक प्रभावित हो सके, जिससे इसलिए वहां पर किया गया था। और ये बड़ी लापरवाही सामने आई अगर बात करें बीजेपी की, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है उसका साफ तौर पर इस मामले में कहना है कि ये कांग्रेस सरकार के दौरान इस बोर्ड का निर्माण किया गया था और इस निर्माण जिसने किया था वो यूपी निर्माण निगम एजेंसी है जो निर्माण इकाई है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था और करोड़ों की लागत से बिल्कुल तो आरोप प्रत्यारोप इस मामले को लेकर भी शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है इसका खामियाजा पर्यटन विभाग को भी झेलना पड़ेगा और उत्तराखंड के पर्यटन को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर ये बनाई गई थी नाव, ये बोट तैयार करी गई थी और कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र भी थी, लेकिन इस घटना के बाद जरूर पर्यटन पर एक असर पड़ेगा। मरीना रेस्टोरेंट तो डूब गया लेकिन पर्यटन विभाग अभी तक कोई जवाब सामने नहीं दे पाया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठा रही है और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि इस नाव का जो निर्माण है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहा है लेकिन लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। विभाग की गलती है, जो प्रशासन है वहां पर उसकी गलती है, इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। काफी समय से ये जो बोट थी ये खराब हो रही थी, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप आज ये घटना और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और जिस पर्यटन को बढ़ावा देने का लगातार ये दोनों सरकारें प्रयास कर रही थी वो भी इसी तरीके से जमींदोज होती दिखी। क्योंकि अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड लगातार जो टिहरी पे डैम बना है उसका विरोध कर रहा था और इतने बड़े डैम को लेकर लगातार आक्रोश भी लोगों में था, जिसके बाद से किसी भी सरकार ने इतने बड़े डैम को बनाने का फैसला निरस्त कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार को नैनीताल के दौरे पर है। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सरकार ने चार धाम समेत कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार पिछले सालों से अधिक श्रद्धालु पर्यटक चार धाम पहुंचेंगे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा सीजन में पूरी तरह से सड़क निर्माण का काम बंद करा दिया गया है। वहीं आपातकालीन स्थिति के लिए पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे विभाग को सतर्क रहने के आदेश भी दिए गए हैं। चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है, जो काम उस पर सड़क निर्माण का चल रहा था क्योंकि काफी चौड़ीकरण उन सड़कों का हो रहा है और यात्रा बाधित न हो, यात्रियों को दिक्कत न हो, इसलिए अभी जो निर्माण कार्य है, जो कटिंग का काम उसको रोका गया है और जो उस पर स्लिप्स हैं उनको साफ करने का काम, जो पुश्ते हैं उनके रिटेनिंग वॉल्स हैं उनके निर्माण का काम चल रहा है। खबर राजधानी दून से है जहां 108 एम्बुलेंस सेवा के पूर्व कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कर्मचारी वहीं प्रदर्शनकारियों से पूर्व आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही जीवीके आईएमआरआई कंपनी के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर जल्द भुगतान की बात कही है। मैं 108 कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव विपिन जमलोकी ने बताया कि कंपनी में 2 माह के वेतन के साथ ही अन्य भत्ते भी बकाया है, अगर जल्द हमारी मांगे का निस्तारण नहीं किया गया तो कार्मिक अनशन के साथ ही सचिवालय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा।
लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत करवा दिया है। उन्होंने अवगत करवाया है कि उनको शासन से पैसा नहीं मिला है, बजट नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों का वेतन और जो हमारा बकाया है वो जल्द से जल्द हमको भुगतान कर दिया जाए। कल से क्रमिक अनशन शुरू करने वाले हैं। अगर उसके दो दिन के बाद भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो हम तीसरे दिन सचिवालय कूदे और धरना अब सचिवालय पे ही दिया जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में पिछले दिनों सवर्ण समाज के बराबर में बैठकर एक दलित ने खाना खाया था, जिससे गुस्सा सवर्णों ने दलित की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे इलाज में उसने उस दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें बीजेपी विधायक खजान दास ने मौजूद थे। तब इस मामले को लेकर उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप समय के पाने के लिए इसको और ज्यादा मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुतिकरण करते हैं, यहाँ बैठे के उसके बाद लाइव भी है। लोकतंत्र के महासंग्राम के लिए महारथी रण पर है। पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं, दो चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। ऐसे में अपने अपने राज्य से चुनाव निपटाने के बाद महारथियों ने अन्य राज्यों में भी चुनाव फतह के लिए चुनावी गढ़ में डेरा डाल दिया है। उत्तराखंड राज्य के चुनाव निपटाने के बाद यहां के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कोई नेता है यहां के दफ्तरों में दिख रहा है और ना ही कोई पदाधिकारी। सभी के सर पर दारोमदार है पार्टी की जीत का। राज्य के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात करें तो यहां पर पसरा सन्नाटा ही ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी के नेताओं के ऊपर केवल राज्य को ही नहीं जीतने का बल्कि देशभर में पार्टी की जीत सुनिश्चित कराना है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस कार्यालय की तो यहां का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही, हालांकि देश भर में साथ ही राज्य के राजनेताओं ने उल्टी गिनती भी शुरू कर दी है। हम आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन यात्रा के लिए अभी तक नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, जिस पर कांग्रेस ने जमकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सरकार का ध्यान यात्रा पर कम और चुनावी संग्राम में ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां यात्रा शुरू होने से 3 माह पहले ही अधिकारी की नियुक्ति होनी थी, वहीं यात्रा शुरू होने के बाद तक भी यात्रा नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए जा सके हैं। वहीं बीजेपी का मानना है कि नोडल अधिकारी रूट पर ना हो तो भी यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसे सुरक्षित और सफल बनाने के लिए एसडीआरएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसडीआरएफ की टीम ने चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग को खोज निकाला है, जिसे कई साल पहले साधु संत इस्तेमाल करते थे। हालांकि समय के साथ उत्तराखंड के पैदल पौराणिक मार्ग अवमानना के अभाव में अपनी पहचान खो चुके हैं, लेकिन अब लोगों के साथ आपदा की दृष्टि से इस पैदल मार्ग की तलाश कर रहे उन्हें दोबारा पलट कर लाने के लिए एसडीआरएफ का 15 सदस्य दल निकला था। कि जो प्राचीन पौराणिक यात्रा मार्ग थे, जो कि देहरादून से पैदल यात्रा करते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुंचाते थे, उनमें हमने एक पैदल टीम रवाना करी है, जो 20 अप्रैल को जनपद देहरादून से रवाना हुई थी। और संपूर्ण पौराणिक यात्रा मार्ग को ये लोग ऑन फुट ट्रेस कर रहे हैं। इनको हमने जीपीएस उसके अलावा और भी कई एडवांस्ड इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, जिससे ये लोग पूरे मार्ग को न केवल सर्वे कर रहे हैं, यदि किसी बड़ी आपदा के कारण भविष्य में रोड मार्ग बाधित होते हैं तो एक अल्टरनेट इवैक्यूएशन रूट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 6 सिग्मा की टीम पहुंच गई है। टीम के जिला कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल ने रवाना किया। अब ये टीम 2 माह तक केदार यात्रा पड़ाव के विभिन्न जगहों पर तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ देगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 6 सिग्मा की ओर से सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से केदारनाथ में मेडिकल सर्विस के लिए 20 बेड का स्थायी और पक्का अस्पताल बेस कैंप रुद्रा पॉइंट भी बनाकर तैयार किया गया है। बेस कैंप और रुद्रा पॉइंट में ही 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था होगी। डॉक्टर की टीम हृदय रोग, हड्डी रोग, कान नाक और गला रोग, शिशु रोग, मातृ एवं स्त्री रोग और छाती रोग विशेषज्ञ इसमें अपनी सेवाएं देंगे।
आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा 7 मई से शुरू हो चुकी है और चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचकर चारों धामों की यात्रा करते हैं, लेकिन इस साल भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बन रहे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पहले चरण में करीब 20 करोड़ की लागत से बन रहा है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का कार्य 2019 में पूरा होना था, लेकिन ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया और यही वजह है कि इस साल भी आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायियों को बिना दर्शन के यहाँ से लौटना पड़ेगा। राजधानी में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण थाना क्षेत्र के रायपुर में देखने को मिला, जहां भूमाफियाओं द्वारा न केवल निगम की जमीन पर कब्जा किया गया बल्कि वहां बेधड़क अतिक्रमण भी शुरू कर दिया गया। मामले की तूल पकड़ते ही निगम के अधिकारी हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर काम को रुकवाया और जमीन को खाली करवाया। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अगर आरोप सही पाए गए तो निगम की ओर से आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि वो नगर निगम की जमीन है किसकी है, लेकिन ये क्षेत्रीय माननीय क्षेत्रीय विधायक और पार्षदों का ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो नाले के बगल का कुछ स्थान है वहां पर जेसीबी चला के उसको लेवलिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल काम को रुकवा दिया गया है और नगर निगम से भी एक पत्र एसओ रायपुर को प्रेषित किया जा रहा है और साथ ही साथ जिलाधिकारी देहरादून से भी ये अनुरोध किया जाएगा कि चूंकि वो एरिया हमारी बंदोबस्त में चल रही है तो एक ज्वाइंट टीम बनाकर उसका सर्वे करा लें। अगर वो लैंड नगर निगम की है तो कब्जा करने वाले के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। उत्तराखंड में डॉक्टरों के दुर्गम क्षेत्रों में न जाने के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है। दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों से प्रदेश की सेवा देने के लिए एक बॉन्ड भरवाया जाता है, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद ही डॉक्टर प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में जाने से बचते हैं। यही कारण है कि पिछले साल सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई, लेकिन 48 डॉक्टर ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। 48 में से 13 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया है जबकि 35 नदारद हैं, जिसके लेकर डॉक्टर्स पर कार्रवाई के लिए लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा गया है। हमारे यहाँ से 48 डॉक्टरों के संदर्भ में शासन को पत्र भेजा गया था जिसमें 13 डॉक्टरों ने त्याग पत्र दे दिया था और जो बाकी 35 थे उनको जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है वह निर्णय लिया जाना था और उस संदर्भ में अभी हमारे पास कोई पत्रावली आई नहीं है, जो आएगी तो उसमें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए केएनएन इंडिया के साथ। नमस्कार।